तो दोस्तों ये अलमारी है, ये देखिए यहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हैं। ये डबल बेड है, सॉरी ट्विन बेड है, सिंगल नहीं है, क्योंकि मैं पहले जिस रूम में गया था वहाँ पे वो हीटर काम नहीं करता था, तो दे बाय ऑल ऑफ सडन चेंज माय रूम। और ये हैं जी दो कमरे, दो बेड, ये देखिए। और ये एलसीडी लगी हुई है, अभी मैंने चलाई नहीं है। अज़रबैजान बाको की प्लेस है ये, याद रखिएगा। यहाँ भी आप सामान रख सकते हैं। ये तकिया है, ये सिंगल एक बंदे के लिए है। और ये है जी अलमारी, यहाँ पे डेफिनेटली है जी फ्रिज, छोटी सी लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, इतने पैसों में इतना ही आता है। साथ में इन्होंने हमें दिए हैं जी ये दो बॉटल्स, ठीक है। अब बात करते हैं जी वॉशरूम की, तो वॉशरूम भी ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये जेल दो सोप, ये ड्राई, ये नहाने के लिए लादा है, ठीक है, नॉट बैड। टॉवल्स सब कुछ है यहाँ पे। तो जी ये है जी टोटल पूरा कमरा जो आपके सामने है, छोटा सा है लेकिन कंफर्टेबल है। और दो पानी की बोतल है। अब यहाँ भी एक मेन्यू पड़ा हुआ है जी, फूड इज मोड इस्तांबुल गोल्ड होटल, इस्तांबुल गोल्ड हेल्ट गोल्ड होटल बाकू अज़रबैजान। यहाँ पे सर्विसेज भी हैं जी, ब्रेकफास्ट भी है, सूप भी हैं। और ये इनकी प्राइस AZN होता है, अज़रबैजान मनात। एपेटाइजर्स भी हैं, फिश चिप्स फ्रेंच फ्राइज सारा कुछ। ये देखें जी, ये है जी मेन कोर्स, यहाँ पे बटर चिकन सारा कुछ है जी, रोटीज भी हैं। तो बटर चिकन, चिकन कढ़ाई, वेजिटेबल कोरमा, शाही दाल, ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में लग रही हैं। पिज्ज़ा भी है, पास्ता भी है, बर्गर, ये सारा कुछ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये मुझे कितने का पड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं कितने का पड़ा है, फिर मैं आपको बताऊँगा ये मैंने कैसे बुक किया था। दोस्तों ये मुझे पड़ा है 3 रातों का 105 अज़रबैजानी मनात, और ये बनते हैं पाकिस्तान के तकरीबन 17,500 में, ऑलमोस्ट 17,500 में 3 दिन, यानी कि तकरीबन 5,500 रुपये या 5,500 लगा लें। एक दिन बाकू जो कैपिटल है इनकी, वेरी एक्सपेंसिव सिटी है वहाँ पे, इट्स नॉट बैड, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये कहाँ से मैंने लिया था, ये मैंने booking.com से मैंने किया था इसको बुक। और एक चीज़ ज़हन में रखें जो बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये है कि अज़रबैजान में जब कभी भी आप आएँ तो या booking.com से करें या agoda.com से करें, trip.com से करें, जिससे भी करें, बुकिंग आप 1 या 2 दिन की कराएँ, बाकी दिन यहाँ पर आके खुद इन प्रेजेंस आप उनके साथ निगोशिएशन करें, आप पैसे बचा भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, मैं हूँ बाकू अज़रबैजान में, और ये है मेरा होटल जो मैंने इस्तांबुल गोल्ड होटल लिया हुआ है 3 दिन के लिए। तो मैंने 3 दिन गुजार लिए हैं, बाकी मैंने 4 दिन गुजार लिए हैं, 3 दिन रह गए यहाँ पे बाकू में। तो दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ कि आप जब कभी भी होटल रिजर्वेशन करवाएं तो इन 2 बातों का ज़रूर ख़ास ख्याल रखें। तो ये बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट, मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ जी दोस्तों। पहली बात तो ये, मेरे प्यारे दोस्तों, हम वतनों और मेरे सुनने वालों, बाकू अज़रबैजान के अंदर दोस्तों आपने पहली चीज़ का जो ख़ास ख्याल रखना है वो ये कि कोशिश करें कि जब कभी भी आप यहाँ पे होटल रिजर्वेशन करवाएं किसी भी सिटी की, तो आप 1 या 2 दिन से ज़्यादा, ये पहली बात मैं बता रहा हूँ, 1-2 दिन से ज़्यादा बुकिंग ना कराएं, क्योंकि यहाँ पे आके आप दूसरे होटल से निगोशिएशन करके आप कम पैसों पे भी बुकिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप booking.com या agoda या trip.com से $30 का कोई नॉर्मल कमरा लेते हैं या $40 का, तो वो यहाँ पे आपको $25 या $20 पे भी मिल जाएगा,
दूसरी टिप दोस्तों ये इसका इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, जब कभी भी आप बाकू के अंदर या इनके किसी भी शहर के अंदर इन हो जाएं, आप यहाँ पे आ जाएं, तो उसके बाद ये जहन में रखें किसी भी होटल में इनकी जो चेक इन टाइम है, मोस्ट ऑफ देम, नॉट मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्टेड फ्रॉम 2 PM, यानी कि 2 बजे से ऑनवर्ड उनकी चेक इन टाइम है दोस्तों। इससे पहले अगर आप आ गए तो हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट पे वो आपको कमरा दे दें, अदरवाइज़ आपको कमरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो चेकआउट टाइम है मोस्टली वो 12 या 1 बजे का है, यानी कि 12-1 बजे तक लोग यहाँ से जाते हैं, कमरे छोड़ के जाते हैं और 2 PM पे आप यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों ये है बाकू अज़रबैजान। तो आज मैं आपको बताऊँगा जो मेरा 5-6 दिन का एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक यहाँ पे कितना खर्चा होता है और आप कैसे प्लान करें बाकू का। सिर्फ बाकू की बात कर रहा हूँ, अज़रबैजान की नहीं, क्योंकि बाकू इज़ द कैपिटल ऑफ अज़रबैजान, पूरा अज़रबैजान और एक बाकू। तो दोस्तों आपका पूरा टूर प्लान अगर आप सिर्फ बाकू में आना चाहते हैं जो कि अज़रबैजान का कैपिटल है, तो वो ये है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने खर्चे को 3 चीज़ों पे डिवाइड करें, 3 चीज़ों पे। पहली चीज़ आपकी होटल रिजर्वेशन, दूसरा आपकी फूड और तीसरा आपकी शॉपिंग प्लस आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपका सफ़र, और चौथा आप ऐड कर लें कि आपने जिस जिस जगह पे जाना वहाँ की टिकट्स। ये माइनर है क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर टिकट्स नहीं है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर टिकट्स हैं। तो पहला हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ की होटल रिजर्वेशन। दोस्तों याद रखें कि बाकू अज़रबैजान में जो मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट प्लेस है लिविंग, वो है निज़ामी स्ट्रीट। ये मैं आज आपको बता देता हूँ, आप पूरा बाकू ढूंढ लें, पूरा बाकू घूम लें, आपको वैसी बेस्ट प्राइम लोकेशन नहीं मिलेगी। वैसे होटल बहुत खूबसूरत हैं, बहुत महंगे भी हैं, $70-$100 तक भी हैं, लेकिन सस्ते, मयारी, बेहतरीन और प्राइम लोकेशन निज़ामी स्ट्रीट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप booking.com से करते हैं अपने होटल की बुकिंग, रिजर्वेशन करते हैं, तो आप पाकिस्तानी 5-6 हज़ार रुपए में एक अच्छा कमरा ख़रीद नहीं, रेंट पे ले सकते। उसमें आपको बॉटल्स दी जाएंगी, इस तरह की पानी की बॉटल्स होगी, टॉवल शावल सब कुछ होंगे, लेकिन खाने की कोई चीज़ नहीं होगी, वो उसके साथ कम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, वो आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगी, उसे कराएं, वो दी बेस्ट है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे फूड का कितना खर्चा है। इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट दोस्तों। जो मेरे नज़दीक यहाँ पे 3 टाइम्स की फूड है वो 60 मनात के आसपास है, ठीक है, 60 मनात 3 टाइम्स की फूड, उसमें आप बिरयानी खा सकते हैं। हाँ ये मैं बताता चलूँ, यहाँ पे तुर्किश रेस्टोरेंट भी है, अज़रबैजानी रेस्टोरेंट भी है, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी, इंडियन रेस्टोरेंट भी, अरब रेस्टोरेंट भी है, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद करते हैं तो हमें पाकिस्तानी फूड ही यहाँ पर पसंद आएगी। इस सिलसिले में निज़ामी स्ट्रीट की बात करें और इसके अलावा दूसरे जगहों की बात करें, जैसे कि ओल्ड सिटी ऑफ बाकू है, इसके अलावा सेंटर है, नसीमी है, तबरेज़ रोड है, इसके अलावा इस्तांबुल गोल्ड होटल के आसपास के इलाके हैं, आल्तुस होटल के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पे आपको अच्छे मयारी खाने मिल जाएंगे। और इसका एवरेज जो तीनों ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें आप 60 मनात को जेन में रखें। 60 मनात बोले तो आप समझ लें कि अगर 100 मनात हो तो आपके बनते हैं 16,000 रुपये या 16,400-16,500 रुपये। तो देख लें 60 मनात बोले तो 9,000 रुपये, यानी कि आपका 9 से 10,000 रुपये का डेली का खर्चा है अच्छे खाने का।